हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन दड़ागी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द लॉ टॉक्स में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है AGM एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि सभी कंपनीज को एवरी ईयर एक्सेप्ट 1% कंपनी एक AGM करवानी होती है और अपने सभी शेयर होल्डर्स को बुलाना होता है। और जनरली अगस्त और सितंबर का महीना होता है जिसमें ज़्यादातर कंपनीज की AGM होती है। तो फ्रेंड्स, AGM करवाने के लिए क्या नियम कानून होते हैं ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि कंपनीज एक्ट के अंदर AGM से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं। फ्रेंड्स, कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 96 AGM के बारे में बात करता है। सेक्शन 96 कहता है कि इन एडिशन टू अदर मीटिंग्स का मतलब है जैसे बोर्ड मीटिंग्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स, उसके अलावा आपको एक एनुअल जनरल मीटिंग भी कंडक्ट करवानी होती है हर साल, हर कैलेंडर ईयर के अंदर। कैलेंडर ईयर का मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो हर साल का मतलब कैलेंडर ईयर में आपको एक AGM करवानी होती है। और उसका जो नोटिस आप दोगे मेंबर्स को, उसमें आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ता है AGM मतलब एनुअल जनरल मीटिंग आप बुला रहे हो। मेंबर्स की मीटिंग होती है, जनरली ऑर्डिनरी बिजनेसेस इसके अंदर कंडक्ट होते हैं, ट्रांजैक्ट होते हैं। इसके अलावा आप स्पेशल बिजनेसेस भी ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। तो मेनली चार जो हमारे स्पेस ऑर्डिनरी बिजनेसेस होते हैं, लाइक ये चार कौन से होते हैं, अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड जिसके लिए मेंबर्स पूरे साल वेट करते हैं, और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स। तो ये चार आपके ऑर्डिनरी बिजनेस होंगे। इसके अलावा जितने भी बिजनेस आप पास करोगे AGM के अंदर, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, स्पेशल बिजनेस, राइट। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि क्या पीरियड होता है AGM का, मतलब कितने टाइम में आपको AGM करवानी होती है। तो फ्रेंड्स, इन केस ऑफ फर्स्ट AGM, अगर आपकी पहली AGM है, मींस आपने अभी इनकॉर्पोरेट करी है कंपनी, तो आपको उस साल AGM करवाने की ज़रूरत नहीं है जिस साल आपने इनकॉर्पोरेट करी है। आप नेक्स्ट ईयर, मींस आपका जिस साल आपने इनकॉर्पोरेट करी है, अगर वो आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाएगा, उसके विद इन 9 मंथ आपको अपनी पहली AGM करवानी है। अब बात करते हैं इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट AGM, आपको 1-2 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, तो नेक्स्ट जब भी आप AGM करवाओगे उसके बाद सेकेंड AGM, तो विद इन 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा उसके 6 महीने में आपको AGM करवानी है फ्रेंड्स। लेकिन याद रखना, नॉट मोर देन 15 मंथ्स शैल इलेप्स बिटवीन 2 AGMs, मतलब एक AGM और दूसरी AGM के बीच का गैप 15 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। चलिए दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें देखते हैं, सपोज केस 1, अगर आपकी AGM जो है वो 30 अगस्त को हुई है, तो आपके 15 महीने जो बैठते हैं वो नवंबर तक बैठते हैं। और अगर मैं विद इन 6 मंथ कहूँ फाइनेंशियल ईयर क्लोजर के, तो 30th September आता है। तो विच एवर इज अर्लियर, मीन्स अर्लियर कौन सा हो रहा है, 30th September, तो आपकी AGM की जो डेट होगी वो कब होगी, 30th September लास्ट डेट, राइट। अब केस लेते हैं 2, लास्ट AGM सपोज आपकी हुई है 10th July, ठीक है, तो 15 महीने जो आपके बैठते हैं 9 September को, और 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर बैठते हैं आपको 30th September, तो कब होगी आपकी AGM, 9 September से आगे नहीं हो सकती, मीन्स 9 September से पहले आपको AGM करवानी पड़ेगी नेक्स्ट वाली, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट कभी कभार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप, आई होप आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं क्या AGM जो है वो एक्सटेंड हो सकती है, जो भी उसकी ड्यू डेट है उससे एक्सटेंड कर सकते हैं। जी हाँ, AGM को हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं अगर हमारी सब्सिक्वेंट AGM है, तो कितने महीने के लिए कर सकते हैं, 3 महीने के लिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमको एक एप्लीकेशन देनी होती है ROC को इन फॉर्म JNL 1, और अगर हमारे पास कोई स्पेशल रीज़न है तो हम एप्लीकेशन दे सकते हैं। और वैसे अभी गवर्नमेंट ने COVID-19 के वजह से कुछ रिलैक्सेशन भी दी है,
गवर्नमेंट ने कहा है कि आप ऑडियो वीडियो मीन्स से आप कर सकते हैं ईजीएम, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो या और कोई रीज़न है, आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं है, तो सिंपली आप एक एप्लीकेशन दे सकते हो जीएनएल 1 के अंदर कि हमें ईजीएम आगे एक्सटेंड कर रही हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दी हुई है, लेकिन इन केस ऑफ फर्स्ट ईजीएम है आपकी तो एक्सटेंशन नहीं मिलेगी और किसी भी सूरत में नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टाइमिंग की, ईजीएम की क्या टाइमिंग होनी चाहिए। तो ईजीएम जो है वो आपकी बिजनेस आवर्स में होगी, कभी भी उठ के नहीं होगी, 9 बजे से सुबह शाम के 6 बजे तक। लेकिन अगर ईजीएम चल रही है 6 बजे के बाद भी कंटिन्यू रह सकती है फ्रेंड्स। चलिए अब बात करते हैं कि डे की, किस दिन आपको ईजीएम करवा सकते हो। आप किसी भी दिन करवा सकते हो, लेकिन आपको नेशनल हॉलीडे वाले दिन नहीं करवानी है। नेशनल हॉलीडे मतलब 15 अगस्त 26 जनवरी या 2 अक्टूबर नेशनल हॉलीडे होता है, उस दिन आप ईजीएम नहीं करवाओगे। लेकिन अगर आपने नोटिस दे दिया कोई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया, कोई डे को नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया, आपने नोटिस दे चुके थे, तो उस दिन को हम नेशनल हॉलीडे डीम नहीं करेंगे यहाँ पे इस केस में, राइट। अब बात करते हैं प्लेस, कहाँ पे आप एजीएम करवाओगे। तो एजीएम जनरली आपके रजिस्टर ऑफिस में होगी, लेकिन आपका मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास उतना स्पेस नहीं है, तो आप जहाँ पे आपका रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है उस सिटी, टाउन या विलेज में कहीं भी करवा सकते हैं। लेकिन एजीएम ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, तो उस केस में आप कहीं भी एजीएम करवा सकते हो, लेकिन आपको रिटर्न में कंसेंट चाहिए होगी इलेक्ट्रॉनिक मोड से ऑल द मेंबर्स इन एडवांस, राइट। ये चीज़ याद रखना। अब बात कर लेते हैं पनिशमेंट की, अगर आपने एजीएम करवाने में कोई कंट्रावेंशन किया सेक्शन 96 का, ठीक है, तो आपको क्या पनिशमेंट लगेगी। आपको फाइन लगेगा अप टू 1 लाख कंपनी के ऊपर और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर, राइट। इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट, अगर आप कंटिन्यू इस डिफॉल्ट को कर रहे हैं, तो फर्दर आपका फाइन लगेगा 5,000 पर डे, 5,000 पर डे का आपको फाइन लग सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम इसी तरह आगे भी मिलते रहेंगे। सुरक्षित रहे, सेफ रहे। जय हिंद, बाय बाय।